सुप्रभात बच्चों, आज हम सब कक्षा 12 विषय हिंदी की काव्य सूची में सम्मिलित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र नामक रचना से ली गई हुई अभिनव मनुष्य पाठ के पदों का संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। अभिनव मनुष्य पाठ के पदों का अध्ययन करने से पहले प्रस्तुत पाठ में कवि मानव को क्या संदेश देना चाहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम सभी जान लें। कवि ने प्रस्तुत पाठ में मानव मात्र को यह संदेश दिया है कि भौतिक उन्नति के मार्ग पर चलते हुए हमें सहज मानवता और हृदय की कोमल भावनाओं को भूलना नहीं चाहिए। एक बार आप फिर से ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कवि ने मानव मात्र को यह संदेश दिया है कि भौतिक उन्नति के मार्ग पर चलते हुए हमें सहज मानवता और हृदय की कोमल भावनाओं को भूलना नहीं चाहिए। आज मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक उपादानों को नियंत्रित करता हुआ अंतरिक्ष के रहस्यों का उद्घाटन करने में लगा हुआ है, लेकिन भौतिक उन्नति हमारा साधन ही होना चाहिए, जबकि साध्य लोक मंगल की भावना होनी चाहिए। अभिनव मनुष्य का पहला पद है बहुत वर्षी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। प्रस्तुत पद्यांश का उच्चारण करने के बाद हम सब प्रस्तुत पद्यांश के संदर्भ के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र नामक काव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित अभिनव मनुष्य शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश में आज के मनुष्य की आवश्यकताओं और लालसाओं का वर्णन किया गया है। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि संसार में समय समय पर जन्म लेकर अनेक महात्माओं ने अपने उपदेशों की अमृत वर्षा की है। अमृत की धार का तात्पर्य है अपने उपदेशों की अमृत वर्षा की है, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। परंतु उससे आज तक भी इस संसार में शांति स्थापित न हो सकी परंतु उससे
आज तक भी इस संसार में शांति स्थापित न हो सकी। अर्थात कहने का भाव यह है कि ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट इत्यादि के भाव रखने वाले मनुष्यों पर इन अवतारी महापुरुषों के उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थात मनुष्य को भोग लिप्सा से मुक्त न कर सके, अर्थात मनुष्य को भोग लिप्सा से मुक्त न कर सके। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। दिनकर जी कहते हैं कि भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, उद्दाम का अर्थ है प्रचंड, कि आज भी मनुष्य की भोग विलास प्रचंड रूप से लहरा रही है। आज भी मनुष्य की भोग विलास प्रचंड रूप से लहरा रही है और असहाय मनुष्य की भावनाएं भी क्या हो रही हैं, निष्फल हो जा रही हैं। असहाय मनुष्य की भावनाएं निष्फल हो जा रही है। कहने का भाव यह है कि एक ओर तो जो साधन संपन्न है वे सदैव भोग विलास में डूबे रहते हैं, हर क्षण नए नए भोगों को भोगने की कामना करते रहते हैं, और दूसरी ओर कुछ ऐसे असहाय साधनहीन विवश मनुष्य भी हैं जिनकी कोई भी कामना फलीभूत नहीं होती है। वे दिन रात जी तोड़ परिश्रम करके भी उनके मनोरथ निष्फल हो जाते हैं। वे दिन रात जी तोड़ परिश्रम करने पर भी उनके मनोरथ निष्फल हो जाते हैं। प्रस्तुत पद का काव्यगत सौंदर्य है भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक शैली, रस वीर एवं शांत रस, छंद स्वच्छंद, गुण ओज एवं प्रसाद गुण, अलंकार रूपक एवं अनुप्रास अलंकार, शब्द शक्ति अविदा एवं लक्षणा का प्रयोग किया गया है।